आगर मालवा जिले के नलखेड़ा नगर में सुबह करीब 5 बजे लोकायुक्त की टीम ने नलखेड़ा तहसील के दमदम कृषि सहकारी संस्था के प्रभारी प्रबंधक रमेश चंद्र जायसवाल के यहां लोकायुक्त के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। ज्ञात रहे कि 3 जगह है, एक साथ सुबह करीब 5 बजे कार्रवाई शुरू की गई थी। साथ ही जानकारी देते हुए लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 2 माह पूर्व एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आय से अधिक संपत्ति क्रय कर रखी हुई है। इसका हमने सत्यापन किया तो सत्यापन सही पाया गया कि प्रभारी प्रबंधक रमेश चंद्र जायसवाल के पास आय से अधिक संपत्ति है। यहाँ पर हमने छापामार कार्रवाई की तो पता चला कि 30 बीघा जमीन भी मिली है और ग्राम दमदम में 2 मंजिला मकान है जो आलिशान है, एक मकान नलखेड़ा में भी है 2 मंजिला जो आलिशान है, ग्राम दमदम में एक निर्माणाधीन फार्म हाउस भी मिला है, ट्रैक्टर ट्रॉली 4 पहिया वाहन में बलेनो गाड़ी तथा 3 मोटरसाइकिल तथा 1.5 लाख रुपए एवं सोना चांदी सहित कई जेवरात भी घर पर से बरामद हुए हैं। ये आरोपी रमेश चंद जायसवाल हैं, कृषि सहकारी संस्था ग्राम दमदम में प्रभारी प्रबंधक। उनके विरुद्ध लोकायुक्त उज्जैन में करीब 2 माह पूर्व एक शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें बताया गया था कि इन्होंने आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। इनका ग्राम दमदम में एक 2 मंजिला आलिशान मकान है जिसमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। इसके नलखेड़ा में एक 2 मंजिला मकान है, ग्राम दमदम में एक निर्माणाधीन फार्म हाउस मिला है, एक 4 पहिया वाहन बलेनो गाड़ी मिली है, एक ट्रैक्टर है, 3 2 पहिया वाहन है। इसके अलावा तलाशी के दौरान अभी इनके यहाँ लगभग 1.5 लाख रुपये कैश, 80 ग्राम सोना जो इनके घर पे मिला है, 1.25 किलो चांदी और एक लॉकर होने की सूचना प्राप्त हुई है इनकी सरकारी बैंक नलखेड़ा।